आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दीक्षा धामी के लाइफ के बारे में जो इन दिनों आपको नजर आ रही है। दंगल टीवी के शो मिलके भी हम ना मिले में रेवा का मेन लीड प्ले करते हुए। दरअसल दीक्षा देहरादून उत्तराखंड से है। उनके फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनकी सिस्टर भी है। दीक्षा के फादर ITBP पोस्ट में है और उनकी मदर फोक सिंगर है, साथ ही उनकी सिस्टर भी क्लासिकल सिंगर है। दीक्षा कहती है की उनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और इंडस्ट्री से कनेक्शन उनके घर में किसी न किसी के साथ जरूर था, पर दीक्षा स्टडी में बहुत इंटेलिजेंट थी। उन्हें बुक्स रीड करना बहुत पसंद है। उन्होंने ना ही इंडस्ट्री में आने के बारे में सोचा था और ना ही एक्टर बनना उनका ड्रीम था। इनफैक्ट उन्होंने अपना मास्टर खत्म कर लेने के बाद एक कंपनी में जॉब की। दीक्षा कहती है कि उन्हें 9 to 5 जॉब पसंद तो था, पर कुछ दिन बाद उन्हें ऐसा फील हुआ कि वो लाइफ टाइम ये जॉब नहीं कर सकती, इसलिए 3-4 महीने उन्होंने ब्रेक ले लिया और मुंबई एक्सप्लोर करने आई। इसी दौरान उनकी सिस्टर ने दीक्षा को बताया कि मुंबई में एक शो के लिए ऑडिशन चल रहा है, वहां तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। दीक्षा को लगा कि शायद एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, हो या ना हो ये लक पर डिपेंड करता है। बट फॉर्चुनेटली वो शो में शॉर्टलिस्ट हो गई और उन्हें उनका पहला शो मिला जिसका नाम था मैं भी अर्धांगिनी। इसमें उन्होंने अनुराधा का रोल प्ले किया था, जिसके बाद एक्टिंग फील्ड में करियर बनाना उन्हें उनके लाइफ का सबसे अच्छा ऑप्शन लगा। दीक्षा को रिकॉग्निशन मिले स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से, जिसमें उन्होंने त्रिषा का रोल प्ले किया था और इस शो में उनकी एक्टिंग इतनी शानदार थी कि उन्हें लक्ष्मी घर आई में भावना के किरदार के लिए अप्रोच किया गया। दीक्षा ने बताया कि भले ही उन्हें उनका पहला शो बाय चांस मिला था, पर बाद में उन्हें किसी दूसरे शो के लिए बहुत रिजेक्शन फेस करना पड़ा था। उस वक्त उन्हें अपनी फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला था, जिसकी वजह से उन्होंने गिव अप नहीं किया, पर एक्टिंग फील्ड में आने के बाद उन्होंने पेशेंस रखना सीखा और स्किल्स को इम्प्रूव किया। खैर, लक्ष्मी घर आई टीवी शो के बाद दीक्षा सीरियल रंग जाओ तेरे रंग में देखी गई और अब वो दंगल टीवी के पॉपुलर शो मिलके भी हम ना मिले में मेन लीड प्ले कर रही है, जहां व्यूअर्स से उन्हें बहुत प्यार मिल रहा है और उनके कैरेक्टर को बहुत पसंद भी किया जा रहा है। दीक्षा ने एक इंटरव्यू के दौरान रिवील करा कि उन्होंने बहुत सारे शो में पैरेलल लीड प्ले किया है, पर वो 1 साल से ये ट्राई कर रही थी कि उन्हें मेन लीड मिले और टचवुड उन्हें ये शो मिल गया, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड है और अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस अपने फैंस के लिए दे रही है। वैसे आपको दीक्षा कैसी लगती है और रेवा का कैरेक्टर आपको कितना पसंद है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे तो ये थी एक प्यारी सी लाइफ जर्नी दीक्षा धामी के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आप इसी तरह की लाइफ जर्नी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और हमारे साथ हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने।